राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर में कोविड अस्पताल बनाए जाने के विरोध में छात्र संघ का आंदोलन जारी है। धरना स्थल पर छात्रों ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्र संघ उपाध्यक्ष जयदीप कुमार, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोज बजखेती सहित पूर्व छात्र नेता गोविंद चंदोला ने कहा कि जिला प्रशासन महाविद्यालय में कोविड सेंटर बनाकर छात्र छात्राओं के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि महाविद्यालय में जबरन कोविड अस्पताल बनाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे जो आज पांचवा दिन है अनशन का, इसमें जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर जिला प्रशासन के पास एक महाविद्यालय को औचित्य कोविड सेंटर बनाना है तो उनके पास भी कई भवन हैं, जैसे इंडोर स्टेडियम है, एसपीओ आवास के पास भी भवन खाली हैं, यहाँ नीचे स्टेडियम खाली है, उन जगहों पर अगर कोविड सेंटर बनाए तो अच्छा रहेगा। अगर अन्यथा कॉलेज के अंदर जबरन ये कार्रवाई की जाएगी तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे हम लोग। और एक UGC की गाइडलाइन है जिसमें यूनिटी पावर स्टूडेंट के लिए हर हित के लिए एक गाइडलाइन भेजी है, उसमें शासन को भी लेटर भेजे कि कभी भी कोविड सेंटर महाविद्यालय में ना बनाएं। इसलिए अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम उग्र आंदोलन के बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। देखिए, जिस प्रकार से जिला प्रशासन अभी खराब रवैया, जिस प्रकार से हमारे सौतला विहार जिसे कहेंगे महाविद्यालय के प्रति, यहाँ पर कोविड सेंटर बनाने जा रहा है। आज अनशन का यह पांचवा दिन है जिसमें हम जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे कि अगर महाविद्यालय में कोविड सेंटर बनता है तो शासन इसका पुरजोर विरोध करेगा, क्योंकि कई छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ाई अभी सुचारू रूप से चल रही है, कई के फॉर्म भरे, एडमिशन सुचारू रूप से चल रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि महाविद्यालय में कोविड सेंटर ना बने। अगर शासन प्रशासन इसका बिल्कुल भी सुन नहीं लेगी तो शासन एक बड़े उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। देखिए, कॉलेज में कोविड सेंटर बनना ये एक दुखदायी विषय है। कहीं ना कहीं प्रशासन के पास अन्यत्र और भी भवन खाली हैं जिनमें कोविड सेंटर बनाया जा सकता है, मगर महाविद्यालय में जिस प्रकार से अब पठन पाठन एक तरफ से चालू हो चुका है, सरकार की गाइडलाइन भी आ चुकी है कि जो विद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं उनको खोल दिया जाए, तो कहीं ना कहीं दुखदायी विषय है। बच्चे इससे ज़्यादा संक्रमित होने की संभावनाएं हैं, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर महाविद्यालय में जो है कोविड सेंटर न बने। अगर प्रशासन सुध लेता तो इसको हम एक उग्र आंदोलन का रूप देंगे। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।